ओके हेलो रिप्टर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाउट्स ऑफ टेस्ट नंबर 19। ओके, यू आर आस्किंग डाउट्स 13, 17, 20, 24, इस तरह से। कितने टोटल डाउट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल नंबर ऑफ डाउट्स 12 हैं। तो आई थिंक दैट इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आप इम्प्रूव करिए, क्योंकि लास्ट स्टेज में हैं आप लोग, लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, और इतना इतना डाउट आ रहा है, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे ठीक से। तो पढ़िए ठीक से, ठीक है ना? ओके, सो सबसे पहले 13 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवेन टू ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट सो दैट इट कैन एमिट एन एच गामा लाइन इन बाल्मर सीरीज। तो ठीक है ना, एच गामा लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ होता है? फॉर एच गामा बाल्मर सीरीज n = 2 से n = 5 के लिए होता है, ठीक है ना? ये ठीक है, ओके। अब सवाल है कि चूंकि ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन n = 1 पर ही रहेगा, ठीक है ना? तो n = 1 पर जब रहेगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, तो पहले तो 5 पर भेजना पड़ेगा ना। मान लिया कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है n = 1 में, इसको पहले यहाँ n = 5 पर भेजना पड़ेगा, ठीक है ना? इस तरह से तो मिनिमम एनर्जी आपका n = 1 से 1 = 5 के लिए लगेगा। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, सो मिनिमम ई मीन रिक्वायर्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 1 to n = 5 फर्स्ट, ठीक है ना? पहले उसको भेजिए, तो यहां से भेजिएगा तो आपका आ जाएगा e5 - e1 आ जाएगा, ठीक है ना? e5 - e1 कर लीजिए, तो यहां से आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नहीं, नहीं, इसमें देखना पड़ेगा। सो क्या आ जाएगा? -13.6/n² n1² -+ 13.6/n2² नहीं, तो कितना हो गया बच्चों? 13.6 × -1/, मान लिया ग्राउंड स्टेट रखते हैं तो 1 हो गया माइनस, हाँ ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट रखते हैं, ग्राउंड स्टेट रखते हैं तो कितना हो जाएगा? हाँ, तो 1/1 और n2 25, तो 1/25 कितना हो गया बच्चों? ठीक है, सो 13.6 × 25 - 25 + 1, ठीक है ना? सो हो गया 13.6 × −24/25। इसको देखते हैं करके कितना आता है, जो भी आएगा वही आंसर होगा। नेगेटिव में पॉजिटिव में देना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, ठीक है ना? सो 24 / 25 = 13.6। 13.56 आना चाहिए, 13.056 सही है, ए आंसर आएगा, आंसर विल बी ए।
13.056। So given plus नहीं, ठीक है ना, राइट हो गया। तो 13.056 है ही, नाउ 17, 17 क्या कह रहा है, कि द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन विच ट्रांजिशन शो द रिप्रेजेंट द मोस्ट एनर्जी। ठीक है ना, यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी के लिए कौन सा ट्रांजिशन है, तो पहला वाला वन शोज एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, तो बाई ट्रायल मेथड एन बराबर टू एन बराबर थ्री जो होगा ये मैक्सिमम होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा थ्री, हो जाएगा आंसर थ्री, ठीक है ना, एन बराबर थ्री नहीं हो जाएगा, एन बराबर टू से एन बराबर वन तक जाएगा, एन बराबर वन तक जाएगा ना, थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा मैक्सिमम 17 का। ठीक, 17 हो गया, 20 कह रहा है कि द एचबी लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, ठीक है ना, तो इसमें लाइंस का आप वेवलेंथ निकालिएगा। एच बी लाइन होता किस लिए है, एच बी लाइंस होता है एन बराबर फोर से एन बराबर टू के लिए, ठीक है ना, एन बराबर, सो इट इज एच बी लाइन 20 एच बी टा फाउंड फॉर ट्रांजिशन कहां से कहां, एन बराबर फोर से एन बराबर टू, नहीं तो ये कौन सा हुआ, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुआ, एक्साइटेड स्टेट, और ये कौन सा हुआ, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, ठीक है ना। सो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सीधा मारिए डी पर, और जब इसका लेमडा निकालिएगा ना, तो लेमडा एच बीटा आता है इतना, लेमडा आफ्टर कैलकुलेशन लेमडा एच बीटा जो आता है ये आता है 486.1 नैनोमीटर, एंड लेमडा एच गामा इससे भी कम आता है, 434 आता है 0.1 नैनोमीटर। मतलब आप देखिए लेमडा एच गामा जो है वो लेस देन होता है लेमडा एच बीटा से, इसलिए सारे ऑप्शन गलत है, केवल ऑप्शन डी ही सही होगा, सो डी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ 24 द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू डिके टू टू मीन लाइफ्स, टू मीन लाइफ्स मतलब वन मीन लाइफ
एंड टू मील लाइफ, ठीक है ना। तो वन मीन लाइफ का मतलब कि सिंपल आधा हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, सिंपल आधा इसमें हो जाएगा, एन नॉट बाई टू हो जाएगा, और फिर यहाँ एन नॉट बाई टू हो जाएगा, मतलब एन नॉट बाई फोर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। सो वन बाई फोर आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा, ए ए आंसर चेंज होगा, कौन सा 24 का ना, हाँ 24 का चेंज आंसर ए होगा, ठीक है। नाउ 25, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस मेटल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पर केवल डिपेंड होता है, ये डायरेक्ट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बात समझ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि ई बराबर होता है एच एफ, तो इस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स का स्ट्राइक करना, और एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसी एक फोटॉन्स की एनर्जी पर डिपेंड करता है, और किसी एक फोटॉन्स के पास एनर्जी होता है एच एफ, सही है ना। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ ओनली वन फोटॉन्स, सो एच एफ। सो दिस विल बी द 25, 26 कह रहा है कि सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके समल्टेनियसली बाय टू प्रोसेस ए एंड बी विद हाफ। देखिए दो प्रोसेस है, ए जो है ए के लिए टी हाफ जो है वो हाफ आवर है, एंड बी प्रोसेस के लिए टी हाफ कितना है, ये भी हाफ आवर है, और फॉर कंबाइन ए एंड बी कितना होगा, फॉर कंबाइन ए एंड बी ये कितना होगा, तो ये सीधा लिख लीजिए वन बाई टी हाफ इक्वल टू वन बाई टी वन टी डैश हाफ प्लस वन बाई टी डबल डैश हाफ, बात समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टू है ना, तो वन बाई तो टू प्लस टू बराबर फोर, सो टी हाफ बराबर वन बाई फोर हो जाएगा फॉर कंबाइन, ये इफेक्टिव हाफ लाइफ है, ठीक है ना। तो अब यहां से चलिए देखते हैं, तो फॉर फर्स्ट ए है, तो मान लिया एनोड है एट टी इक्वल टू जीरो पर, तो जीरो से हाफ आवर कितना हो गया, एनोड बाई टू हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हाफ से हाई आवर है ना, हाफ टू 1.5 आवर, ये यहाँ के लिए प्रोसेस ए है, यहाँ के लिए प्रोसेस बी है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें तो एक घंटा में बी का दो गो होगा ना, हाँ दो होगा, बी का भी हाफ ही है ना, तो हाफ ही है, तो ठीक है जीरो से हाफ में ये तो हाफ हो गया, और फिर ये 1/2 से 1.5 आवर्स में देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, दो बार हाफ होगा, मतलब 1/n0/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, मतलब एक तरह से हो जाएगा n0/2 हाँ बोलो n0 into
टू के पावर ये क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इसको रहने तो ऐसे ही, और क्या। अब अगला देखो तो 1/1.5 आवर से 2 आवर तक, ये ए एंड बी दोनों है तो ये इफेक्टिव जाएगा, तो इफेक्टिव जाएगा तो 1/4 ये 2 हो जाएगा, एन नॉट बाई टू 1/2 का स्क्वायर प्लस इंटू 1/2 का स्क्वायर जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा क्योंकि 1/4 जाएगा 2 बार, तो टोटल कितना हुआ 5 हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 मतलब कौन सा हो जाएगा, सो टोटल हो जाएगा आपका 26, 26 का एन नॉट बाई 2 के पावर 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो फाइनली फाइनली एन नॉट बाई 2 के पावर 5 आंसर। तो इसके आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। इसका आंसर दिया क्या है, 26 का ए है, 26 का ए है, तो ये गलत है, चेंज आंसर, 26 का डी सही है ना, क्लियर है। नाउ 34, ठीक है इसको मिटा दे, क्लियर है राइट। थर्टी फोर का हो जाएगा आपका, कह रहा है कि 1.5 मेगा इतना एंड लेमडा इतना लाइट डायरेक्टेड फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इतना परसेंट इंसिडेंट फोटोन द करंट इन द सेल, पहले पी लिखो फिर पी बाई ई लिखो, ठीक है ना। पहले पी लिखो, पी कितना है, पी है 1.5 मिली वाट, मतलब 1.5 × 10⁻³ वाट, एंड एनर्जी कितना होगा, ई बराबर SC/λ, ये सारे वैल्यू पुट करो जो जो दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है ना 400 नैनोमीटर, ये लेमडा इज 400 नैनोमीटर, ये गिवन है, गिवन। तो यहां से आफ्टर कैलकुलेशन आपका एनर्जी निकल जाएगा 4.96 × 10⁻¹⁹ जूल आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इंसिडेंट पर यूनिट टाइम बराबर, ये तो एनर्जी पर यूनिट टाइम है तो उसमें डिवाइड कर दो, पी बाई ई हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन दिस, इट विल कम 3 × 10⁻¹⁵, 3 × 10⁻¹⁵ इतना आया, ठीक है ना। अब इसका 10% ये जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, इसका 10% एब्जॉर्ब करेगा, तो एन सी आया नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁵ गुने कितना परसेंट है, 0.1%, 0.1%, तो यहां से तो आपका आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा 3 × 10⁻½ आ जाएगा, 3 × 10⁻½ आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, ये 15 आएगा, ठीक है ना, 15, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है, अब सही है। सो आई बराबर एन ई होता है तो 3 × 10⁻½ गुने 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम,
पर सेकेंड, सो दिस विल बी कम आउट द आंसर 0.48, ये आएगा, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, ये पावर दिया हुआ है, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसी को पावर कहते हैं, ठीक है। तो इतना पावर जो है इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो इतना पावर इंसिडेंट हो रहा है और एनर्जी कितना है, तो ध्यान दीजिए इतना है, ठीक है, एक फोटॉन्स का। ये एनर्जी किसका है, फॉर वन फोटोन, और एक फोटोन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली, यही फोटोन सिस्टम है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन थ्योरी है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि चार फोटोन मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नहीं, वन फोटोन सिंगल कोलिजन में निकलना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ फोटोन यहां से निकल गया, जब नंबर ऑफ फोटोन निकल गया मतलब इतना ही जो होगा इसका 0.1% जो होगा वो इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इतना निकलेगा, जब इतना निकलेगा तो आई बराबर ए नहीं, तो यहां से ये आ जाएगा, ठीक है ना। द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली 36 है, द वेवलेंथ डी ब्रोगली एसोसिएटेड विद द न्यूट्रॉन एट द रूम टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर टी बराबर, ये एब्सोल्यूट है 3/2 kT, समझ गए, यह थर्मल न्यूट्रॉन का एनर्जी हुआ। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि लेमडा क्या है, तो लेमडा इक्वल टू 2m इन लेमडा बराबर h रूट अंडर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहां से देख लीजिए अब आ जाएगा आपका, ठीक है ना, तो यहां से पुट करिए तो आपका आ जाएगा ये वाला सी ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी कितना है बोलो, एच वाई टू एम काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 3/2 kT, आफ्टर सॉल्विंग दिस द आंसर विल कम 25.15 angstrom बाय रूट टी, आंसर क्लियर है ना, 36 हो गया। नाउ 37, कह रहा है कि इफ एलिमेंट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर देन 4 वेयर नॉट अलाउड इन नेचर, द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट विल बी कितना, तो n बराबर 4 वो पॉसिबल है ना, तो क्वांटम नंबर n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये पॉसिबल है ना, पॉसिबल इन नेचर ये पॉसिबल है। तो इसमें कितने होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मींस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, दो एलिमेंट्स होते हैं,
इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 18 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो कितना हो गया देखो तो, 32 18 कितना हुआ? 50 10 60, 60 हो गया। 37 का 43, लेमडा दिया हुआ है ना, तो लेमडा जब दिया हुआ है तो एनर्जी बराबर हो गया। लेमडा इज गिवेन, गिवेन फॉर ट्रांजिशन, देयरफॉर एनर्जी बराबर एस सी बाई लेमडा। आफ्टर द पुटिंग द ऑल्स वैल्यू एस सी बाई लेमडा पुट कर लीजिए। इन इलेक्ट्रॉन फील्ड की यदि बात करेंगे, ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे तो यहां एस सी बाई ई लेमडा हो जाएगा। सो आफ्टर पुटिंग द ऑल द वैल्यूज यू विल गेट 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन यहां मैच नहीं करेगा, देख लेना। 43 में कोई ऑप्शन नहीं है। सो सी थोड़ा गलती हो गया है, 43 में ये जो सी ऑप्शन है ये इसमें मेगा वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिप्लेस्ड बाय चेंज, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, नहीं ये चेंज हो जाएगा तब जाकर के ये सही आएगा। क्लियर है ना? चौवालीस देखो, चौवालीस क्या है? एज्यूमिंग द 200 मेगावोल्ट एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन, देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकंड रिक्वायर्ड टू रिलीज। इसमें क्या है? इसमें 1000 किलोवाट, तो नंबर ऑफ एन बराबर लिख लो सीधा 1000 बाई एगो का कितना है जी? 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। कितना है, कितना है, कितना है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 गुने 10^6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 × 10^-19, यही ना हो गया? दैट शुड बी द आंसर। यहां से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना? क्लियर है? 0.3125 यहां से आ जाएगा, 0.3125 × 10^14 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा है, 44, 45। द वेवलेंथ की अल्फा लाइन फॉर एलिमेंट एटॉमिक नंबर इतना ही, तो डायरेक्ट अबव प्रिंसिपल से बन जाएगा। 1/λ इक्वल टू क्या होता है? z-b इंटू 1/1 − 1/2 स्क्वायर, यही ना होगा? ठीक है। सो मतलब यहां से हो जाएगा, सॉरी, z-b ना, r, हाँ बोलो, r z-1 1/1 − 1/4, ये 1/λ आ गया। नाउ 1/λ बराबर r × z कितना है? पहले वाले का z कितना है? पहले वाले का z कितना है? 43 है, 43। एक का z 43 है और एक का 29 है, तो यहां एक का लिख लीजिए 43 और एक का लिख लीजिए यहां 43 लिखिए, 43 और इंटू, और ये तो हो जाएगा 3/4।
बोलो तो। वन बाई लेमडा बराबर आर इंटू जेड माइनस वन, ठीक है ना। जेड कितना होता है? जेड है, जेड कितना है? 43 है, 43। तो 43 माइनस वन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटू 3/4, ये ना हुआ, ठीक है। एंड वन बाई लेमडा डैश बराबर आर इंटू, बोलो क्या आ जाएगा? 29 माइनस वन इंटू 3/4, ठीक है ना। ठीक है, सो लेमडा डैश बाई लेमडा बराबर आ जाएगा तुम्हारा 9/4, करके देख लो, आंसर विल कम। सो दिस विल बी द 45 नंबर। सो ओके, थैंक यू, डिस्कशन इज ओवर।